हेलो माय डियर स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन एंड दैट्स प्रोसेस अकर इन अ प्लांट सो स्टूडेंट्स मोस्टली आप रेस्पिरेशन का मीनिंग जानते हैं कि हम फूड को या ग्लूकोज को डाउन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं बट यहाँ पर आपको फोटो वर्ड दिख रहा है और फोटो का मतलब मैंने आपको बताया है लाइट इट मीन्स जब लाइट की प्रेजेंस में रेस्परेशन की प्रोसेस हो रही है प्लांट्स में तो इस फोटो रेस्परेशन का मीनिंग क्या होता है और क्या इम्पोर्टेंस होता है इसका इन थिंग्स को हम इस वीडियो में इवेल्युएट करेंगे कि आखिर प्लांट्स में रेस्परेशन की प्रोसेस तो हो रही है फिर ये फोटो रेस्परेशन कैसे होने लगी और साथ में समझेंगे कि हम फोटो रेस्परेशन को सी टू साइकिल क्यों बोलते हैं वाई वी से सी टू साइकिल इज अ फोटो रेस्परेशन नाउ अबाउट द मीनिंग ऑफ फोटो रेस्पिरेशन सो फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें सो so ये एक वेस्टफुल पाथवे है इट मीन कि साइकिल अगर सी टू साइकिल बोल रहे हैं तो जो प्राइमरली हमने फॉर्म किया है वो अगेन हमें मिलेगा बट ये पाथवे है कैसा वेस्टफुल है मतलब प्लांट्स को इस प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी ये हो रही है और हो कहाँ रही है कैसे रही है दैट अकर वेन द केलविन साइकिल एंजाइम Act on than so students, जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रुबिस्को एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम में सी का मतलब तो कार्बोक्सिलेशन था और ओ का मतलब था ऑक्सीजनेशन तो जब हमारे एटमोस्फियर में या एनवायरमेंट में प्लांट्स के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है कम और इनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का लेवल होता है ज्यादा तो ऐसे में रुबेस्को एंजाइम CO2 टू से ना बाइंड होकर के ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटो बोलते हैं इट मीन्स यहाँ पे ए टी पी तो बनेगी बट वो बहुत ही लेसर अमाउंट्स में बनेगी और इसी वजह से हम इसे बोल रहे हैं वेस्टफुल प्रोसेस नेक्स्ट इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है फोटो रेस्परेशन की सो इट टेक्स प्लेस इन द फोटोसेंथेटिक सेल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब जो भी फोटोसेंथेटिक सेल है वहाँ पर यह प्रोसेस हो रही है और मैंने पहले ही बोला कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मैंशन है इट डिपेंड ऑन द फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो द बायो केमिकल एक्टिविटी ऑफ परॉक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो थ्री थिंग्स में हो रही है जैसे सबसे पहले सी थ्री साइकिल की बात करें तो हम बोलते हैं कि वो हमारी स्ट्रोमा में हो रही है एंड देन सेकेंडली ये प्रोसेस होगी परॉक्सीसोम में एंड देन थर्ड वन ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में देन थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ऑल दो फोटो रेस्परेशन यूटिलाइज एड पी एंड एनयू डी पी एस टू तो जो फोटो रेस्परेशन की प्रोसेस है इसमें ए टी पी और एनयू डी पी एस टू यूटिलाइज होता है बट प्रोड्यूज ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ए टी पी तो मैंने बोला आपको कि यहाँ ए टी पी बनेगा बट वो बहुत ही लोअर है इनका अमाउंट एंड देन दस इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस तो मतलब ये क्या हो गया कि एनओडीपी एस भी यूटिलाइज कर रहा है और ई भी यूटिलाइज कर रहा है तो एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है ना कि दे रहा है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जो कि नॉर्मल रेस्परेशन की प्रोसेस में हम बोलते हैं सो नेक्स्ट वन थिंक समझते हैं कि हम इसे सी टू साइकिल क्यों बोल रहे हैं तो फोटो की प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेज है वो तो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है एंड इट्स प्राइमरी सबस्ट्रेट इज एन अर्ली प्रोडक्ट ऑफ फोडोसेंथेसिस इज अ ग्लाइकोलेट तो मतलब जो यहाँ पे प्राइमरली हम सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वो ग्लाइकोलेट होता है और ये ग्लाइकोलेट का कंपाउंड हमारा होता है टू कार्बन कंपाउंड तो जैसे हमने सी थ्री में बोला था कि थ्री कार्बन कंपाउंड एसिड बनता है इसलिए हम इसे साइकिल बोलते हैं सी फोर में हम ओ ए मतलब करते हैं, जो कि हमारा फोर कार्बन कंपाउंड होता है इसलिए इसे सी फोर साइकिल बोलते हैं तो सेम ऐसे ही यहाँ पर सी टू साइकिल का भी मतलब है कि जो ग्लाइकोलेट हम फॉर्म कर रहे हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फोग्लाइकोलेट हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं और ये टू कार्बन कंपाउंड है इस वजह से इसे हम बोलते हैं कि ये हमारी सी टू साइकिल है नेक्स्ट वन अब ये साइकिल आप देख लीजिए यहाँ पर सीथरी साइकिल हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की की बात आपने की कि में साइकिल हो रही है और सीथरी साइकिल में आप बोलते हैं कि जो हमारा आर यू बी पी है अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये आर यू बी पी है इसे अब्जॉर्ब करना था सी ओ टू को और इसने कर किसे लिया एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को तो ये क्या बनाएगा ऑक्सीजनेस प्रोसेस शो करेगा हमारा रुबिस्को एंजाइम एंड देन यहाँ पर इसने फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म किया है जो कि टू कार्बन कंपाउंड है एंड देन साथ में पी जी ए फॉस्फोग्लेसरिक एसिड भी फॉर्म किया है अब यहाँ पर फॉस्फोरस होगा रिमूव जिसकी हेल्प से ये यहाँ पर मतलब फोर फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा ये जो आ, पी मेंशन है मैं सेपरेटली लिख देता हूँ ये जो पी मेंशन है ये फोर फास्फोरस के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं और ये मेक करता है ग्लाइकोलेट ओके तो ये हो गया ग्लाइकोलेट हमारा एंड देन अब अगले स्टेप में क्या होगा इतनी प्रोसेस तो क्लोरोप्लास्ट में की हमने देन यहाँ पर जो हमारा ग्लाइकोलेट है उसे हम इंटर कराएंगे पोरॉक्सीसोम में मतलब ये खुद से इंटर होगा हम नहीं करेंगे हम बस साइकिल को समझ रहे हैं तो ग्लाइकोलेट जब यहाँ इंटर हो रहा है पोरॉक्सीसोम में तो यहाँ पर इसे ऑक्सीडेज एंजाइम मिलेगा और जिसकी वजह से ये ग्लाई प्लस एस टू ओ टू फॉर्म करेगा ठीक है एंड देन उसके बाद ये मेक करेगा ग्लाइसिन कंपाउंड और फिर ये ग्लाइसिन का जो कंपाउंड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर एंड से एनएच थ्री और सी ओ टू रिमूव करेगा ओके okay. तो ये यहाँ पर सी का एक मॉलिक्यूल है जो पर रिलीज हो रहा है यहाँ पर एनएडी और वो एन का फॉर्मेशन करेगा देन ग्लाइसिन से एनएच और सी का मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हम यहाँ पर बोलते हैं कि सैरिन कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो रहा है एंड देन उसके बाद यहाँ पर पोरॉक्सीसोम में फिर से ये सरिन कंपाउंड हम भेजते हैं और ये फॉर्म करता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट का मॉलिक्यूल देन ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट का मॉलिक्यूल ग्लिसरेट फॉर्म करता है एंड देन ग्लिसरेट अंदर इंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में और फिर ये ग्लिसरेट पी जी ए फॉर्म करता है एंड देन यहाँ पर आर यू बी पी और सी थ्री साइकिल फिर ऑक्सीजन तो एक तरीके से ये थी साइकिल यहाँ पर और थ्री थिंग्स में हो रही है मतलब क्लोरोप्लास्ट में पोरॉक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में तो इस तरीके से हमने फ़ोटो रेस्परेशन सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि फ़ोटो रेस्पिरेशन क्या है एंड देन हमने अंडरस्टैंड किया कि मैकेनिज़्म क्या होती है फ़ोटो रेस्परेशन की और साथ में क्या इम्पोर्टेंस है और मीनिंग को अंडरस्टैंड किया सो होपफुली साइकिल की हेल्प से और फोटो रेस्परेशन की थ्योरी की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि फ़ोटो और क्या होता है सो आई थिंक इट्स सफिशियन फॉर यू थैंक यू